टिंकरकैड की सीरीज में आज हम एक नया वीडियो देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि फोर्स सेंसर कैसे काम कर सकता है और ये इसके काम करने का क्या तरीका होता है। तो फोर्स सेंसर हमें मिलेगा कहाँ पे? तो फोर्स सेंसर अभी नॉर्मली यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना होगा, स्क्रॉल करना है ऊपर जहाँ बेसिक लिखा है, यहाँ से हमें ऑल को क्लिक करना है और नीचे हम देख रहे हैं कि ये लास्ट वीडियो हमने जो फ्लैग सेंसर का देखा था उसके बाद में ये फोर्स सेंसर यहाँ पर मिल रहा है। हम इसको क्लिक करेंगे और सामने इधर रखेंगे। थोड़ा सा जूम करके हम इसको पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये फोर्स सेंसर है यहाँ पर। ये फोर्स सेंसर का काम ये होता है कि इसके ऊपर जब भी प्रेशर पड़ता है तो ये क्या करता है, उस प्रेशर को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये जो फोर्स सेंसर है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, राइट? तो वो इलेक्ट्रॉनिक अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉनिक को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसमें दो लेग हमें दिखाई दे रही है, पहली लेग ये है और दूसरी लेग, तो दो टर्मिनल है। तो हम इनको कैसे जोड़ेंगे, तो चलते हैं इसको जोड़ने के लिए, क्योंकि इसको हमें कोड भी करना होगा, हमें आर्डिनो की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ से आर्डिनो को भी लेते हैं। कहाँ है हमारा आर्डिनो? ये रहा आर्डिनो, तो ये आर्डिनो हमने यहाँ रख लिया। चलते हैं इसको कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्टिविटी इसकी कैसे करनी है वो देख लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेंगे, अगर हम स्टार्ट सिमुलेशन को क्लिक करेंगे तो इस फोर्स सेंसर पे क्या है, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखो कि यहाँ पर एक स्लाइडर आ गया है और नीचे नंबर आ गए हैं कि कितने न्यूटन का फोर्स इसमें लग रहा है, वो यहाँ पर बता रहा है जैसे जैसे हम इसमें प्रेशर देंगे या दबाव बढ़ाएंगे, तो ये वैल्यू दे रहा है न्यूटन में। तो अब ये वैल्यू कैसे बढ़ेगी, ये वैल्यू कैलकुलेट जो होगी वो एनालॉग में वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो हम चलते हैं इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने आर्डिनो के साथ में। पहले तो हम फर्स्ट वन क्या करेंगे, इसको 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो हम इसको सबसे पहले 5 वोल्ट से जोड़ेंगे, एक वायर हमने लिया और 5 वोल्ट से अटैच कर दिया। इस वायर को थोड़ा सा ठीक से मैनेज कर लेते हैं, अभी सही से ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने इसमें कुछ डबल क्लिक करके नोड जोड़ दिए हैं और अभी ये हमें जो इसका कनेक्शन है वो क्लियर हो गया है। दूसरी लेग जो है ये हमें ग्राउंड से जोड़नी होगी, तो ग्राउंड से क्लिक करके डायरेक्ट हम अभी नहीं क्लिक कर रहे हैं, हमें एक रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक रजिस्टर स्क्रॉल करके यहाँ से हम रजिस्टर लेते हैं और इसको यहाँ से रोटेट कर लेते हैं। यस, अभी इस रजिस्टर को हम इसके दूसरे लेग से कनेक्ट करते हैं और इस रजिस्टर का जो दूसरा लेग है इसको हम आर्डिनो के ग्राउंड वाले पिन से कनेक्ट कर लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इसकी वायर का कलर चेंज कर लेते हैं, ग्राउंड वाला ब्लैक से और जो 5 वोल्ट की सप्लाई है उसको हम रेड से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये एनालॉग वैल्यू पास करेगा, लेग तो दो ही है। तो इसकी जो निगेटिव वाली लेग है यहाँ से एक वायर और निकालेंगे हम क्लिक करके और थोड़ा सा ये तिरछा करके लाएंगे ताकि आपको दिखाई दे। हमने इसको किसी भी पिन से आप कनेक्ट कर सकते हो, लेट्स के हमने इसको A5 से कनेक्ट कर दिया। ये एनालॉग के किसी भी पिन से आपको इसको कनेक्ट करना है और याद रखना है कि हमने इसको इस पिन से कनेक्ट किया हुआ था। वायर का इसका भी कनेक्शन चेंज कर लेते हैं, तो रेड हमने यूज़ कर लिया, ब्लैक यूज़ कर लिया, चलो ग्रीन ग्रीन कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब इसकी जो भी वैल्यू निकलेगी अगर इस पर प्रेशर पड़ेगा तो इसकी वैल्यू ये यहाँ पर हम रीड कर लेंगे A5 पर। तो अब चलते हैं इसका कोड कर लेते हैं, कनेक्शन तो हो गया, कोड अब करना होगा हमें। तो हम कोड पर क्लिक करेंगे और ये जो डिफॉल्ट कोड है इसको हम डस्टबिन में, और हमें वेरिएबल के पास जाना है, एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है, क्योंकि ये हमारा फोर्स सेंसर है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया फोर्स अंडरस्कोर करके सेंसर और अंडरस्कोर करके हमने दे दिया नाम इसको वैल्यू। जो भी वैल्यू आएगी हम इस वेरिएबल में रखना चाहते हैं। वेरिएबल का जो ब्लॉक है इसको हमने कॉल कर लिया। तो चलते हैं आगे बढ़ लेते हैं, ये वेरिएबल आ गया। अब हमें इसको ये बताना है कि जो ये वेरिएबल है ये किस पिन के लिए यूज़ कर रहे हैं, A5 के लिए। तो हम यहाँ पर इनपुट में जाएंगे, यहाँ पर एक एनालॉग का ऑप्शन आ रहा है, तो ये एनालॉग वाले ब्लॉक को हमें यहाँ पर इसके ऊपर ड्रैग ड्रॉप करना है और यहाँ पर A5 हमारी पिन यूज़ करी हुई है तो हम यहाँ पर पिन को भी A5 पर यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारे पास A5 पर वैल्यू रीड होने लगी है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि वैल्यू रीड हो रही है, उसमें क्या वैल्यू आ रही है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट में जाना है और सीरियल मॉनिटर का एक ब्लॉक लेना है यहाँ पर,
इससे अटैच कर देना है। बट ये सीरियल मॉनिटर प्रिंट क्या करेगा, ये प्रिंट वही करेगा जो हम बताएंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो वेरिएबल बनाया था इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट करो, तो हमने उसको बता दिया। अभी हम क्या करते हैं, रेडी हो गए हम, हमारा कोड भी कंप्लीट हो गया है, हम इसको स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन में क्लिक करके। तो हमने स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर सीरियल मॉनिटर को भी ऑन कर दो, क्योंकि हमने यहाँ पर सीरियल मॉनिटर का जो ब्लॉक है उसको यूज़ किया है। और सीरियल मॉनिटर करने क्या वाला है कि जो भी इस वेरिएबल में आएगी वैल्यू इसमें वो शो करेगा। तो अभी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। हम इसको एक बार ट्राई करते हैं कि ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, जो ये नोड आया इसको बढ़ाते हैं। देखिए जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स बढ़ा रहे हैं, पावर बढ़ा रहे हैं, इस पे प्रेशर दे रहे हैं। तो जैसे हम इसके ऊपर फोर्स बढ़ाएंगे यहाँ पर वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे फोर्स कम करेंगे इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो इस तरह से ये फोर्स सेंसर हमारा ठीक से काम कर रहा है। तो लेट्स कि हमारा अगर सेंसर ठीक से काम कर रहा है तो किसी भी फोर्स सेंसर को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि फोर्स अगर इसके ऊपर इस वैल्यू से ज्यादा का फोर्स आए तो हमें पता चल जाए। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसा एक आउटपुट में कंपोनेंट लगाते हैं, तो बड़ा इजी से कंपोनेंट है, हमेशा जो हम यूज करते हैं, एक एलईडी लेते हैं और इसको लेके इंडिकेटर यूज करेंगे। तो हमने इसकी एक लेग को जोड़ दिया इसके ग्राउंड से, और इसका कलर हमने चेंज कर दिया है, कलर रखेंगे ब्लैक, क्योंकि ग्राउंड पिन है यहाँ पर। और दूसरी जो पिन है उसको हम किसी भी पिन से जोड़ सकते हैं। लेट्स कि हमने यहाँ पर 7 नंबर पिन से इसको कनेक्ट किया हुआ है। वायर पे एक नोड अटैच करके वायर को थोड़ा सा अच्छा कर दिया हमने, और वायर का कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। तो ग्रीन हो ही चुका है, येलो कलर हम इसको देते हैं। तो आप याद रखना 7 नंबर पिन से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि जो इसके ऊपर वैल्यू आ रही, प्रेशर पड़ रहा है, फोर्स पड़ रहा है इसके ऊपर, वो फोर्स एक लिमिट से अगर ज़्यादा होता है तो हमें पता लग जाए कि वो ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो कोड हमने बनाया था उस कोड में थोड़ा सा हम कोड और बढ़ा देंगे इस एलईडी के लिए। तो एलईडी के लिए हम क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारी एलईडी है वो, उसके लिए एक ब्लॉक हमने कॉल किया और उसमें पिन नंबर बोला कि ये पिन नंबर 7 से अटैच है, तो 7 नंबर यहाँ दिया। और हमने कहा कि अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो ये जल जाए, मतलब एलईडी हमारी ग्लो करने लगे। तो हम यहाँ से एक कंडीशन को कॉल करेंगे जिसका नाम है इफ एंड इल्स कंडीशन। तो ये इफ एंड इल्स की कंडीशन हमने यहाँ ली, और इसमें एक पेरिजन ऑपरेटर लगाएंगे जहाँ पर दो वैल्यू हैं, कंपेयर कराएंगे वैल्यू को। वेरिएबल में जाएंगे जहाँ पर हमारा सेंसर का डेटा था, इसमें सेंसर डेटा आ रहा है। हम चाहते हैं इस डेटा में, इस डेटा से अगर वैल्यू ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए। ड्रॉप डाउन करते हैं और यहाँ ग्रेटर देन लगाते हैं। हम चाहते हैं कि अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हो, किससे बड़ी हो, जो भी वैल्यू हम यहाँ देंगे, लेट्स कि हमने 1000 दे दी वैल्यू, तो जो भी इस सेंसर में वैल्यू आएगी यहाँ पर 1000 से जैसे ही ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, हमारी एलईडी को जलाएगा। तो हमने एलईडी के ब्लॉक को रखा, 7 नंबर से एलईडी कनेक्ट है, उसको हम हाई कर रहे हैं। लेकिन अगर इस वैल्यू से कम वैल्यू रहेगी तो क्या होगा, तो हम इसको बोलेंगे कि एलईडी क्या रहेगी, उस कंडीशन में ऑफ रहेगी। तो हमने लो कर दिया, पिन नंबर 7 से अटैच है इसलिए हमने यहाँ पर पिन नंबर 7 कर दिया है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक कर दिया है, प्रेशर पर क्लिक कर रहे हैं और क्लिक हो गया। देखिए ये वैल्यू बढ़ा रहे हैं, बढ़ती जा रही है वैल्यू, बढ़ती जा रही है। ओह ये क्या हुआ, टोटल वैल्यू इसकी 466 तक जा रही है, हमने यहाँ पर दे दी है वैल्यू 1000, तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो हम चाहते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 300 हम यूज करना चाहते हैं। तो जैसे ही 300 से ज्यादा वैल्यू होगी वो क्या करेगा, 7 नंबर को हाई कर देगा, और 7 नंबर से हमारी एलईडी कनेक्ट है जो कि जलने लगेगी। एक बार फिर से हम स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करते हैं और इसको यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू हमारी 190 300 के ऊपर जैसे जाएगी, अभी 299 हुआ है। जैसे हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे एलईडी हमारी देखो ये जल रही है, ग्लो कर रही है। और थोड़ा सा पीछे आएंगे मतलब 300 से वैल्यू अगर कम है तो ये वाला जो ब्लॉक है वो वर्क करेगा, अगर 300 से ज़्यादा वैल्यू है तो ये वाला वर्क करेगा ब्लॉक। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पर बना दी। तो अगर फोर्स ज़्यादा पड़ता है एक लिमिट से ज़्यादा तो हमने उसका इंडिकेटर बना लिया है। इसी टाइप से हम कुछ और भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे,
किसी और प्रोजेक्ट के साथ में, किसी और कंपोनेंट के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। थैंक यू।